नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे लिसिनम के बारे में, जो कि रेबीज वायरस से होम्योपैथी में तैयार होता है, एक होम्योपैथिक नौसोड है यह, और ख़ास करके यह हमारे नर्वस सिस्टम पर और हमारी हड्डियों पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है। दोस्तों, वैसे व्यक्ति जो बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के हैं, उनके कई तरह के व्याधियों में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। और लिसिनम खास करके होम्योपैथी में हाइड्रोफोबिया की एक बेहतरीन दवा है, जहाँ पर दोस्तों तेज़ी से बहता हुआ पानी देखकर रोगी में कन्वल्सन्स आ जाते हैं, उनमें फियर आ जाता है, वो डर जाते हैं। इस तरह का जो हाइड्रोफोबिया होता है, उसमें ये दवा बहुत ही खास है। आइए जानते हैं विस्तार से इस दवा को। सबसे पहले हम जानेंगे इसके हेड सिम्टम्स को। दोस्तों, रोगी में एक पागलपन की प्रवृत्ति आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर उनको बुरी खबर मिल जाए तो उनके तकलीफ बढ़ जाते हैं, वो इस चीज़ को, बुरी खबर को आसानी से नहीं पचा पाते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति में उनके जो सेंस ऑर्गेन हैं बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और उनमें आप देखेंगे कि तकलीफ़ को सहने की क्षमता आम लोगों से बहुत ही कम होता है। ऐसे रोगी में बहुत ही तेज सरदर्द बना रहता है, और उनके फ्रंटल हेड में दोस्तों एक बोरिंग पेन होता है, जो कि बहुत ही तीव्र दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। माउथ के केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे रोगी में लार बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके मुंह में, आप बार बार देखेंगे कि लार से मुंह भर जाता है, और उनके गले में थ्रॉट पेन भी होता है। आप देखेंगे कि वो बार बार जो टिकलिंग सेंसेशन होता है उनके थ्रॉट में, जो सुरसुराहट होती है, उससे राहत पाने के लिए वो बार बार अपने लार को निगलते हैं, लेकिन उनका तकलीफ नहीं घटता है। दोस्तों, इस तरह से आप देखते क्या है कि ऐसे रोगी में लार की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा मुंह में देखने को मिलता है। रेक्टम के केसेस में बार बार आपको बाथरूम जाने के लिए दौड़ना पड़ता है, और वहाँ पर अगर तेज नल चल गया या बहुत ज़्यादा पानी बहाव देख लिया उन्होंने, तो उनमें आप देखेंगे कि वहाँ पर उनको भय आ जाता है, उनमें कन्वल्सन्स आ सकते हैं, और दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे कि उनको डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकता है, उनका वाटरी स्टूल हो जाता है, और बार बार दोस्तों वो बाथरूम जाते हैं, और रात के समय में शाम के पहर उनका ये दर्द तकलीफ बढ़ जाता है। दोस्तों, यूरिनरी के केसेस में हम देखते क्या हैं कि रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और मेल के केसेस में जो खास करके वैसे व्यक्ति जो बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के हैं, उनमें आप प्रियापिज्म देखेंगे, बहुत जल्दी उनका दोस्तों शीघ्र पतन देखेंगे आप, बहुत जल्दी इमिशन हो जाते हैं, और जब वो एक्ट करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, वहाँ पर उनको इमिशन नहीं हो पाता है। ऐसे रोगी में एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, अंडकोश का वृद्धि न होना दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार एबनॉर्मल डिजायर होते हैं रोगी में, जो कि दोस्तों अत्यधिक कामुकता के विचार रखने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। महिलाओं के केसेस में आप देखेंगे कि उनका जो गर्भाशय है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उनमें दर्द बना रहता है, और उनको ऐसा लगता है कि गर्भाशय निकल जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का फियर रहता है रोगी में। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि डायस्पेरोनिया का भी लक्षण रहता है, जब वो एक्ट करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो दोस्तों उनके अंग में दर्द हो जाता है, ये डायस्पेरोनिया है, जो कि लिसिनम की एक खास लक्षण है। दोस्तों आप देखेंगे कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट में भी दर्द होता है, वहाँ पर भी ये दवा बहुत ही खास है। रेस्पिरेटरी के केसेस में हमने कहा ही कि वॉयस आपके अल्टर हो जाएंगे, टिकलिंग सेंसेशन होंगे, शोर थ्रॉट रहता है, इन सारी लक्षणों में ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार रेस्पिरेटरी जो मसल्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि स्पैस्मोडिक कंट्रैक्शन होने के कारण भी दर्द होता है, और अनईजी फील होता है रोगी को। दोस्तों मॉडलिटीज़ हम जान लेते हैं, आप अगर चलते दौड़ता हुआ पानी देखते हैं तो आपका लक्षण बढ़ जाता है, और दोस्तों कई दफ़ा अगर आप सन में जाते हैं तो भी आपको दोस्तों दर्द बढ़ जाता है, स्टूपिंग
करने पर, झुकने पर भी आपका अगर दर्द बढ़ जाता है तो लिसिनम उसकी एक बहुत ही खास दवा है। दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके रिलेशनशिप को। यह दवा मुख्य तौर पर एस्ट्रेमोनियम की तरह, लेकेसिस की तरह, नेट्रमयूर की तरह काम करता है और यह खास करके दोस्तों यह एक नोसोड है, इसलिए इसका बहुत ही सजगता के साथ प्रयोग करना चाहिए। और आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। आप लिसिनम का दोस्तों 1 mg 5 बूंद एक बार ले लें और जब तक राहत लगे तब तक दवाई का सेवन न करें। अगर आपने 1 mg का लिया है तो कम से कम 15 दिन के बाद ही इस दवा को फिर रिपीट करें। और अगर आप लिसिनम 10 mg का सेवन किया है तो दोस्तों 1 माह के बाद ही इस दवा का सेवन करें। और आप 2 खुराक ही लें बहुत काफ़ी है, आपको ज़रूर मुख्य तौर पर हाइड्रोफोबिया जैसे लक्षण में अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।